नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई जानकारी के साथ। साथियों, शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी विज्ञप्ति मैं आपके सामने विस्तृत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से है, जिसके अंतर्गत जिलों के सभी ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों के वार्डों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को एक वर्ष के लिए नियत मानदेय पर लिया जाना है। इसके अंतर्गत दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10+2 यानी 12वीं पास होना आवश्यक है। उसके साथ में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर, स्काउट गाइड, NCC, NY के सर्टिफिकेट धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र एवं पूर्व बजट में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है एवं महिला SHG की सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इन लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। इसमें जो आयु सीमा दिखाई गई है वह 1/1/2024 को 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को दोस्तों 4,500 रुपये फिक्स मानदेय दिया जाएगा, जो एक साल के लिए रहेगा। इसका जो कार्यकाल है वो घटाया और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आगे बताते हैं आपको कि इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो SSO ID के माध्यम से भरे जाएंगे, जिनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो राजस्थान सरकार की पूर्व प्रक्रिया है उसके अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी दोस्तों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपनी SSO ID पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको भी आप देख सकते हो और उसके द्वारा आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, 5वें नंबर के कॉलम में बताया है कि फाइनल सबमिट करने वाले जो फॉर्म है उसमें एप्लीकेशन नंबर आएगा। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तभी एप्लीकेशन नंबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। दोस्तों, जो आवेदन है वो 16/8/2023 से 29/8/2023 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे और इसकी जो चयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो आप अच्छे से विज्ञप्ति को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट साइट पे भी SSO ID पे भी आ सकते हो। और दोस्तों, फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जो जरूरी था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है दोस्तों, और आप विज्ञप्ति को और अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसमें जो सिलेक्शन है वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, और जो साक्षात्कार के समय आपको सभी मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होना होगा। जो दस्तावेज दिए हैं उनको भी इस विज्ञप्ति में डिटेल से बताया गया है कि आपके लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे। इस तरह से आप सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इसमें जो योग्यता संबंधी दस्तावेज है उनके बारे में ये विवरण दिया गया है। अधिकतम योग्यता है जो आपकी 12वीं है, इससे ज़्यादा की योग्यता इसमें आप फिल नहीं कर सकोगे। जन्मतिथि के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए होगी दोस्तों। और इसमें जो स्थानीय निवास होने का प्रमाण पत्र है वो मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आवश्यक है। और दोस्तों, यदि किसी भी वर्ग की जनसंख्या 50% इससे अधिक होने पर आपको अनुसूचित या SC ST OBC आदि का प्रमाण पत्र चाहिए होगा दोस्तों।